हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें जो है फर्स्ट सितंबर का जो एग्जाम है वह हो चुका है। और जो है 2 सितंबर को किसी प्रकार की एग्जाम नहीं थी और 3 को संडे होने के कारण एग्जाम नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हाल ही में सीएचएसएल की एग्जाम हुई है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चन है उन सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में सीएचएसएल की एग्जाम हुई है। जी हाँ, सीएचएसएल की एग्जाम का आयोजन करवाया गया है, उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह दोस्तों आपकी जो एमटीएस के एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वर्तमान में चर्चा में बने हुए होते हैं, और उन वर्तमान में चर्चा में बने हुए क्वेश्चन समस्त एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो बना है अभी हाल ही में, वह हिमाचल प्रदेश बना है। इससे रिलेटेड अन्य और क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर आपके लिए पुट अप कर सकता है? तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य है जो सिक्किम है। और अगले फैक्ट के ऊपर बात करें तो अगला फैक्ट है, भारत का पहला 100% जल वाला राज्य कौन सा है? तो 100% जल वाला राज्य गोवा है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला कार्बन मुक्त राज्य है जो कि हिमाचल प्रदेश है, भारत का पहला जैविक राज्य है वह सिक्किम है, सिक्किम जो पहला जैविक राज्य है, और भारत का 100% जल वाला राज्य है जो कि गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया से एसएससी जो सीएचएसएल एग्जाम हुई है उसमें काफी बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उन समस्त क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया है एक बांसुरी वादक है। तो जी हाँ, बांसुरी बजाने वाले या बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, जो 1984 में हरिप्रसाद चौरसिया को जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही हम बात करते हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, जो 1992-1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण में 2000 जो सन 2000 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलु वंश की स्थापना किसने की है? तो तुलु वंश की स्थापना किसने की है? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों, तुलु वंश की यहाँ पे स्थापना वीर नरसिंह ने की है। अगला क्वेश्चन है, नोंग क्रेम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोंग क्रेम त्योहार है जो कि भारत के मेघालय में मनाया जाता है। जी हाँ, मेघालय में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मेघालय को है जो बादलों का घर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, बादलों का घर भी कहा जाता है, बादलों का घर भी इसे कहा जाता है। और बादलों का घर कहने से यहाँ पे तात्पर्य इस प्रकार है कि सर्वाधिक वर्षा जो वो यहाँ पे होती है मानसून और चेरापूंजी में। जी हाँ, चेरापूंजी में सर्वाधिक बरसात भी होती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसून और चेरापूंजी, जो कि मेघालय के अंदर ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सिजदा व पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा व पेबोस की प्रथा शुरू करने वाले गयासुद्दीन बलवन है। और गयासुद्दीन बलवन दोस्तों गुलाम वंश के, जी हाँ, गुलाम वंश के शासक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, गुलाम वंश से संबंधित गयासुद्दीन बलवन ने ही सिजदा व पेबोस प्रथा यहाँ पे स्टार्ट की थी। और जो इल्तुतमिश ने यहाँ पे दल चालीसा की स्थापना की थी, जी हाँ, दल चालीसा की स्थापना की थी, उस दल चालीसा का अंत भी यहाँ पे गयासुद्दीन बलवन ने ही किया था। और दोस्तों, यहाँ से इसकी शुरुआत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आरंभ है दल चालीसा का, दल चालीसा का आरंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। जी हाँ, इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा का आरंभ किया गया। और जो गयासुद्दीन बलवन है उन्होंने इस दल चालीसा या तुर्क एम चहलगामी के नाम से जो 40 अपने जो निजी सहयोगियों का जो समूह बनाया उन्हें समाप्त किया था। और गयासुद्दीन बलवन ही दोस्तों यहाँ पे लोहे और रक्त की नीति अपनाई। और दोस्तों, जो सिजदा व पेबोस की प्रथा भी इन्होंने आरंभ की थी। सिजदा तो है दोस्तों जो सुल्तान को घुटनों के बल बैठ कर प्रणाम करना, जी हाँ, घुटनों के बल बैठ कर प्रणाम करना, बल बैठ कर प्रणाम करने को सिजदा कहा जाता है। और पेबोस होता है सुल्तान के चरणों को चूमना, जी हाँ, सुल्तान के चरणों को चूमने को, चरणों को
चूमना है जो कि पेबोस पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे है जो अपने जो राजा के है या सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने के लिए यह दो जो है कार्य किए गए, जो सिजदा और पेबोस प्रथा आरंभ की गई। और दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने ही एक नया त्योहार मनाना आरंभ किया जिसे नवरोज कहा जाता है। और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज त्योहार क्या है, तो एक फारसी नववर्ष है। जी हाँ, एक फारसी नववर्ष है। और इस त्योहार को बनाने की जो परंपरा शुरू की गई वह गयासुद्दीन बलबन के समय की गई। तो दोस्तों आपसे इनसे संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह है भारत में पहला जूट का मेला कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत में पहला जूट का मेला है जो कि कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल, जी हाँ वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे पहला जूट का मेला स्थापित किया गया है। और पहली जूट मिल की स्थापना 455 ईस्वी में कोलकाता के पास हुगली नदी पर जो रिसरा में की गई थी। तो दोस्तों जो कलकत्ता के अंदर 455 ईस्वी में पहली जूट मिल की स्थापना की गई है जो कि हुगली नदी किनारे की गई है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में भारत फाइनल में किस टीम से हार गई थी। तो दोस्तों जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जी हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वह 2019-21 की बात कर रहा है। जी हाँ 19-21 की बात कर रहा है, जिसमें दोस्तों फाइनल होता है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, जो यहाँ पे फाइनल होता है। यहाँ पे दोस्तों न्यूजीलैंड विजेता रहती है और जो इंडिया है वो है उप विजेता रहती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों जो WTC वर्ल्ड कप फाइनल 2023 का भी हाल ही में खेला गया है, वह किन किन टीमों के मध्य खेला गया है, तो वह भी दोस्तों इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया खेला गया है, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम विजयी रहती है और यहाँ पे भी इंडिया टीम दोस्तों उप विजेता रहती है। जी हाँ इंडिया टीम उप विजेता रहती है। तो दोस्तों 2019-21 की बात करें तो वहाँ पे जो न्यूजीलैंड विजेता रहती है, जबकि यहाँ पे WTC 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विजेता रहती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, लेग वाइज शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों लेग वाइज शब्द है जो कि क्रिकेट से, जी हाँ लेग वाइज शब्द है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हेराल्ड डोमर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो हम बात करते हैं प्रथम फाइव ईयर प्लान है जो पंचवर्षीय योजना है, वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसका दोस्तों कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों पंचवर्षीय योजना से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपने यदि पंचवर्षीय योजना का टॉपिक नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पंचवर्षीय योजना का सेशन देख सकते हैं। उसमें हमने जो अभी 2022 और 23 में SSC द्वारा पूछे गए समस्त क्वेश्चनों का समावेश वहाँ पे किया है। तो आपने वह सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह सेशन भी देख सकते हैं और अपना एक नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों जो मेलबर्न में फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों जो कपिल देव है, जी हाँ जो कपिल देव है, जिन्होंने 1983 के अंदर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, उस टीम के जो कप्तान है, जी हाँ जो कप्तान है 1983 के जो वर्ल्ड कप जीतती है उस समय जो भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कपिल देव है, उन्हें अभी यहाँ पे मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे नियुक्ति आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेज के समय लागू हुआ था। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वह 1876 में लागू होता है और उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड लिंटन थे। जी हाँ लॉर्ड लिंटन के समय यहाँ पे 1876 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वह पारित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है गैर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो गैर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों यह राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित अन्य कौन से लोक नृत्य है, उनमें दोस्तों घूमर आता है, कालबेलिया नृत्य आता है, के अलावा दोस्तों चरी नृत्य है आग नृत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो काफी क्वेश्चन है जो कि नृत्यों से पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 1 सितंबर को भी दोस्तों यहाँ पे 1 सितंबर को भी यहाँ पे नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है गैर नृत्य और जो राजस्थान से संबंधित नृत्य है वह काफी बार रिपीटेड पूछे गए हैं। और यह जो गैर नृत्य है वह भील मीणा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है टूसु पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो टूसु राज्य का दोस्तों जो यहाँ पे आयोजन होता है वह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों में किया जाता है। जी हाँ अब ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था जो CHSL में, वह आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का दोस्तों जो विद्रोह शुरू होता है वह मेरठ से होता है। जी हाँ, मेरठ से 1857 का विद्रोह का आरंभ होता है। और दोस्तों उस समय 10 मई 1857 को मेरठ से यहाँ पे 1857 का विद्रोह आरंभ होता है। और 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण थे जो चर्बी वाला कारतूस है, और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में जो विद्रोह होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश में शहरी जनसंख्या है वह 31.7% है। और दोस्तों बात करते हैं भारत में लगभग ग्रामीण जनसंख्या है वह 67 से 68% के बीच है, और शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात की जाती है तो वह महाराष्ट्र में है, जबकि सबसे कम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो वह सिक्किम राज्य के अंदर है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन है जो कि 2015 के अंदर यहाँ पे शुरू किया जाता है, और ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत का 16वां स्मार्ट सिटी शहर है जो अभी हाल ही में मेघालय की राजधानी शिलोंग को बनाया गया है। जी हाँ, जो भारत का 16वां स्मार्ट सिटी शहर है वह शिलोंग को बनाया गया है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी। तो दोस्तों जो शिवाजी उत्सव है और एक गणेश महोत्सव है। जी हाँ, शिवाजी उत्सव के साथ साथ गणेश महोत्सव भी दोस्तों महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इन दोनों जो त्योहारों की शुरुआत है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। जी हाँ, शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव बनाने की परंपरा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे आरंभ करवाई गई थी। और बात करते हैं 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया था, और तब से लेकर दोस्तों अब तक महाराष्ट्र में काफी हर्षोल्लास से शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब आया था। तो ST SC दोस्तों जो ST SC का जो कानून है, ST SC का जो कानून है वह किस वर्ष यहाँ पे जो पारित किया गया था। तो वह 11 सितंबर 1989 में पारित किया गया था। जी हाँ, 11 सितंबर 1989 में पारित किया गया तथा 23 जनवरी 1990 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो दोस्तों 1990 से लेकर अब जो 1990 में यह लागू किया गया जो कि ST SC वह अत्याचार निरोधक अधिनियम है जो कि 1990 में लागू किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो दादाभाई नौरोजी है, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, और दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है। तो जो भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसमें जो है जो दिवस का विषय क्या रखा गया है, तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले दोस्तों इस विषय रखा गया है। नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मतलब राष्ट्र पहले है और हमेशा पहले रहेगा, यह जो 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ICC जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है बाबर आजम को दिया गया है जो कि पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज है। जी हाँ, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और बात करते हैं पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बाबर आजम को दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे ICC का क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड बाबर आजम को, और उसके साथ ही पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बाबर आजम को दिया गया है। और जबकि जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम ही है। जी हाँ, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम है और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम है, और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी दोस्तों बाबर आजम को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। 2023 में किस भारतीय गाने को ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है। तो दोस्तों जो नाटू नाटू सॉन्ग है, जी हाँ, नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR फिल्म का है, जिसके निर्देशक SS राजामौली है और म्यूजिक कंपोजर है MS किरावनी। तो MS किरावनी को जो नाटू नाटू सॉन्ग को यह जो कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस अंग्रेज के समय लागू है। तो दोस्तों इस पे बात कर चुके हैं, 1876 में लॉर्ड लिंटन के समय यह लागू होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है। तो उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति है। जी हाँ, भवभूति यहाँ पे उत्तर जो कि उत्तर रामचरित्र के लेखक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पुरुष 2020 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो पुरुष 2020 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता इंग्लैंड है, और उपविजेता दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान रहती है। और इस जो पुरुष 2020 वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है, आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जी हाँ, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो मगध की 16 महाजनपद हुआ करते थे उनमें है एक अवंती, और अवंती की राजधानी है जो कि उज्जैनी हुआ करती थी। तो दोस्तों आपको जो मगध के उत्कर्ष में जो 16 महाजनपद आते हैं, उन 16 महाजनपदों के नाम पता होना चाहिए, उसके साथ में दोस्तों उनकी राजधानी है, और अभी वर्तमान में जो उनकी भौगोलिक स्थिति है वह भी आपको पता होना चाहिए। अभी एसएससी में ट्रेंड चल रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने यदि सेशन नहीं देखा है तो हमारे द्वारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो विशेष सेशन आरंभ किए गए हैं, उसमें दोस्तों हमने टॉपिक वाइज यहाँ पे जो है क्वेश्चन कवर करवाए हैं। तो दोस्तों हमने जिसमें जो मगध, यहाँ पे मगध जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर इन 16 महाजनपद, इनकी राजधानी और इनके जो भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की है। फिर उससे रिलेटेड समस्त जो क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन सभी के बारे में भी चर्चा की है। तो यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो पंडित रविशंकर है जो कि सितार वादक थे। जी हाँ, सितार वादक थे, और यह बनारस घराने से संबंधित है। तो दोस्तों इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है, काफी बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो जो ओणम त्योहार है वह केरल राज्य में मनाया जाता है, और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, और खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों खेतों में अच्छी फसल की उपज हो इसलिए वहां पे दोस्तों यह त्योहार मनाया जाता है। तो ओणम केरल का जो की त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो दोस्तों अनुच्छेद 39D, जी हाँ 39D के अंदर जो कि है महिला व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इस प्रकार से इस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, HDI निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करता है? तो दोस्तों जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें एक क्या शामिल नहीं करता है, तो ये दोस्तों राजकोषीय घाटा को शामिल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो नर्मदा नदी की बात करते हैं, तो नर्मदा नदी पर काफी बांध है दोस्तों, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना आती है, ओंकारेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, नर्मदा कुंड परियोजना है। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे चुन दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि 2020 में जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वह दोस्तों सूर्य कुमार यादव को। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव को यह पुरस्कार दिया है। और साथ ही हम बात करते हैं ODI में यह, जी हाँ, ODI जो वन डे इंटरनेशनल मैच होता है, जी 2020 होता है जो 20 ओवर का होता है, और ODI होता है जो कि 50 ओवर का खेला जाता है, और ODI में यह पुरस्कार है जो पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को, जी हाँ, बाबर आजम को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, वायरस से होने वाले रोग से कौन सा है? तो वायरस से रोग होने वाले मुख्यतः इनमें है डेंगू है, चेचक है, छोटी माता है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, पीलिया है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, टैक्रोमा है, और पोलियो है, इबोला है, चिकन पॉक्स है, सर्दी जुकाम, समस्त रोग हैं जो वायरस से होते हैं। दोस्तों जो रेबीज है, रेबीज को दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, हाइड्रोफोबिया है जो कि कौन से रोग को कहा जाता है, तो हाइड्रोफोबिया है जो कि रेबीज रोग को कहा जाता है, और यह कुत्ते के काटने से फैलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 के पुरुष सिंगल के विजेता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो विंबलडन 2023 में जो मेल सिंगल होता है उसके विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज है दोस्तों, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, तो यही विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण महोत्सव दोस्तों गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये गुजरात राज्य में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को अलग करता है? तो दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, जी हाँ नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भारत का इस प्रकार से जो मैप है, इसमें जो है यहाँ से गुजरात से लेकर, जी हाँ गुजरात से लेकर यहाँ पे सतत जो यहाँ पे जो पूर्वी हिमालय है, जी हाँ इधर है पश्चिमी पश्चिमी जो कि यहाँ पे पश्चिमी पर्वत घाट आता है, और इधर दोस्तों यहाँ पे कटा छटा जो पर्वत आता है उसे पूर्वी पूर्वी घाट कहते हैं, और ये पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट आकर जो दक्षिण में मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों जो भौगोलिक ग्रंथि है, इस समस्त भौगोलिक ग्रंथि को नीलगिरी पर्वत कहा जाता है, जी हाँ नीलगिरी पर्वत कहा जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करता है। तो नीलगिरी पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा चोटी आती है। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वह डोडा बेटा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, जी हाँ डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार भी देख लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार का जो विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है, जो कि स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला, राइट टू हेल्थ, जी हाँ जिसे राइट टू हेल्थ कहा जाता है, जिसका दोस्तों राजस्थान में काफी विरोध हुआ था और फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें काफी संशोधन किया गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो CSIR है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो हम बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह आता है, और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पे 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बेल नीम बबूल जहाँ उगते हैं वहाँ कितनी वर्षा होती है? तो दोस्तों जहाँ पे बेल नीम बबूल उगते हैं वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में है? तो एल्यूमिनियम के जो संयंत्र है सर्वाधिक भारत के उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा वर्तमान में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के एस्क बॉक्साइड का उत्पादन करता है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम का एस्क है, जी हाँ यह भी आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एस्क वो क्या है? तो दोस्तों बॉक्साइड है, या बॉक्साइड किसका एस्क है, इस प्रकार भी दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एस्क है, और भारत में सर्वाधिक वर्तमान समय में एल्यूमिनियम के एस्क बॉक्साइड की जो यहाँ पे उत्पादन किया जाता है वह उड़ीसा राज्य के अंदर ही किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1909 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया, एक है गुलियेलमो मार्कोनी जो कि इटली से है, और कार्ल फर्डिनांड ब्रोन है जो कि जर्मनी से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, पीएम कौशल योजना किससे संबंधित है? तो जो पीएम कौशल योजना है वह किससे संबंधित है? इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, और यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा सन 2015 के अंदर शुरू की गई थी। तो दोस्तों यह जो है 2015 में जो युवाओं को रोजगार पाने के लिए उन्हें दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके लिए दोस्तों जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा पीएम कौशल विकास योजना का यहाँ पे आरंभ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जी हाँ नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो आर्टिकल 40 है उसके अंतर्गत यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो 7वां संविधान संशोधन होता है उसमें दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, जो कि दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर आता है। उसमें दोस्तों जो प्रावधान किया गया है वह है कि या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल या नगदी फसल है? तो दोस्तों जो कपास गन्ना है वह व्यावसायिक और व्यापारिक फसल नगदी फसल दोनों है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौंड जनजाति को यहाँ पे ST अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, बलात्श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बलात्श्रम या दोस्तों बाल श्रम कहा जाता है। तो दोस्तों जो बाल श्रम से संबंधित जो संविधान में उल्लेख किया गया है वह आर्टिकल 23, जी हाँ आर्टिकल 23 के अंतर्गत ही इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करें, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिली है, तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली है। जी हाँ, ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली है। साथ ही हम बात करते हैं पर्पल कैप किसे दी गई है, तो पर्पल कैप है जो कि मोहम्मद सिराज, पर्पल कैप दी गई है मोहम्मद शमी को। सॉरी दोस्तों, जो पर्पल कैप दी गई है वह मोहम्मद शमी को दी गई है। और ये दोनों ही खिलाड़ी दोस्तों जो गुजरात टाइटंस टीम के हैं। जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ी हैं जो कि गुजरात टाइटंस टीम के हैं। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल को 17 मैचों में 890 रन बनाने के लिए यह जो ऑरेंज कैप का पुरस्कार दिया गया है। और पर्पल कैप है जो मोहम्मद शमी को, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, और 17 मैचों में सबसे ज्यादा 28 विकेट लेने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, साथ ही हम बात करते हैं कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो विजेता टीम की बात करते हैं तो 2023 का जो खिताब जीता है वह चेन्नई सुपर किंग ने। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग टीम ने जीता है। इसके कप्तान की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी है जो चेन्नई टीम के कप्तान है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी है जो कि चेन्नई टीम के कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपविजेता टीम की बात करें तो उपविजेता टीम है जो कि गुजरात टाइटंस, और इस टीम के कप्तान है जो कि हार्दिक पांड्या है। जी हाँ, इस टीम के कप्तान है जो कि हार्दिक पांड्या है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, तो अदिति अशोक दोस्तों गोल्फ गोल्फ खेल से संबंधित है। जी हाँ, गोल्फ से संबंधित है। और ये दोस्तों जो कर्नाटका के बेंगलोर में निवास करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो पोषण और जीवन स्तर के लिए जो लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 47 के अंदर वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था, तो भारत का जो पहला रेडियो कार्यक्रम है वह 23 जुलाई 1927 को यहाँ पे स्थापित किया जाता है। और भारत के वॉइसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों, जो भारत के वॉइसराय, तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड इरविन ने है जो कि मुंबई में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। इस प्रकार भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मानी जाती है। तो दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत है जो कि 1927 में होती है, और ये लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन मुंबई के अंदर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, सीआरआर जारी कौन करता है, तो सीआरआर क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो होता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और जिसके दोस्तों वर्तमान में जो गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर की बात करते हैं जो शक्तिकांत दास है। जी हाँ, शक्तिकांत दास है जो कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो उस्ताद अली अकबर खान है जो कि सरोद वादक है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार के पक्के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था, और नरेगा एक्ट 2005 के अंदर आया था। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन से जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन से जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, जो सात्विक साईराज है और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, ई शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया और यह किससे संबंधित है। ये दोस्तों नाबार्ड के द्वारा 2017 में शुरू किया जाता है, और इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाना है। और ये शक्ति योजना है जो कि नाबार्ड के द्वारा 2017 में आरंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं एशियन गेम 2018 का, जिनका आयोजन है जो कि इंडोनेशिया में। जी हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालमबर्ग के अंदर किया गया था। और दोस्तों, भारत ने यहाँ पे 69 पदक जीते हैं, जिनमें गोल्ड है जो कि 15 गोल्ड जीते हैं, और यहाँ पे सिल्वर पदक की बात करें तो 24 सिल्वर है, और यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक, 30 कांस्य पदक जीते हैं। और एशियन गेम 2023 का जो कि चीन के हांगझोउ में आयोजन होने वाला है, जी हाँ, जो इस वर्ष 2023 में एशियन गेम 2023 का आयोजन होने वाला है वह चीन के हांगझोउ शहर में होगा, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी, तो हुमायूं ने दोस्तों दीनपनाह नगर की स्थापना की थी जो कि यमुना नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मासिक सहायता योजना शुरू की है? तो दोस्तों जो यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, उनके द्वारा 1,000 रुपए की राशि प्रदान करने का यहाँ पे जो मासिक सहायता योजना है वह शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, जोंगिया गरसोपा जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो जोंगिया गरसोपा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक के अंदर शरावती नदी के तट पर यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अरविंद पारिक का संबंध है जो कि सितार वादक है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रतिपादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो कि दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली, जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रतिपादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है जिन्हें 1970 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने गोल्ड मिले हैं? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मिला है जो कि नीरज चोपड़ा ने, जी हाँ, जो कि नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है, मिला है। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है जिन्होंने दोस्तों जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भाला फेंक या जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं जिनमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडलिस्ट रुद्रांश पाटिल किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में जो गोल्ड मेडल जीता है वह है रुद्रांश पाटिल, और यह दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ से आपका महाराष्ट्र ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग होता है? कालाजार या ब्लैक फीवर, जो काला बुखार होता है सैंड फ्लाई या शीशी मक्खी के काटने से होता है। जी हाँ, शीशी मक्खी के काटने से भी यहाँ पे ब्लैक बुखार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, तैराकी रिंग की चौड़ाई कितनी होती है? तो तैराकी रिंग की चौड़ाई 21 मीटर के लगभग होती है और विश्व चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता के लिए चौड़ाई 25 मीटर तक रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो कि मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। साथ ही हम बात करते हैं, बॉक्साइड व एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो बॉक्साइड का सर्वाधिक जो उत्पादन है वह ओडिशा राज्य के अंदर किया जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और एमपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है जो कि एमपी के मुख्यमंत्री है, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। तो दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम मेथेनॉल से संचालित होने वाली बस सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत देश में जो कर्नाटक बेंगलोर के अंदर जो है मेथेनॉल से संचालित होने वाली सबसे पहली बस सेवा को आरंभ किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक आपका ऑप्शन होता है। पहला अगला क्वेश्चन है, पहला सेमीकंडक्टर नीति भारत के किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो पहली सेमीकंडक्टर नीति है जो कि गुजरात राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों केरल राज्य की बात करते हैं, तो केरल राज्य की दोस्तों ओवरऑल यदि साक्षरता की बात की जाती है तो ओवरऑल भी सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य की है, और यहाँ पे मेल में बात की जाती है तो मेल में भी दोस्तों केरल की है, और फीमेल में की बात की जाती है फीमेल में भी सर्वाधिक जो साक्षरता है केरल की है, और सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाती है तो दोस्तों बिहार की है, जो ओवरऑल भी है मेल में भी है और फीमेल में भी है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो पंडित रविशंकर है जो कि सितार वादक है और ये बनारस घराने से संबंधित है। चलिए आज के सेशन में हमने बात की कि जो यहाँ पे SSC CHSL की अभी एग्जाम जो अगस्त में माह में हुई है उसमें जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा की है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो आपको SSC MTS की समस्त जो शिफ्टों का एनालिसिस करवाया जा रहा है उसके साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी आपको कंटेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वह कंप्यूटर के PYQ हो या GK GS की PYQ हो, समस्त यहाँ पे कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।